नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्मैश की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ 3.2 एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उम्मीद करते हैं आपने वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे। उसमें हमने आपको क्या सिखाया था, उसमें हमने आपको सिखाया था जब भी हम लोग ए एक्स जमा बी वाई जमा सी इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा एक सरल रेखा बनती है। रेखाएं जो है वो तीन तरह की होती है। सबसे पहला हमने आपको ऐसा सिखाया था, कोई भी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु पे काटती हैं तो हल मिलता है एक, जिसका नाम होता है अद्वितीय हल। उसके लिए हमने आपको कंडीशन बताया था ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है बी वन बटे बी टू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कोई भी दो लाइन जो ऐसे चलती है, कभी भी एक दूसरे को मिलती नहीं है किसी बिंदु पे, अगर किसी बिंदु पे नहीं मिलेंगी तो कोई हल नहीं होगा। कंडीशन था ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू के, ठीक है। उसका तीसरा था दो लाइंस ऐसी होंगी, एक के ऊपर एक लाइन है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पे काटती है, जितने भी पॉइंट्स पे काटेगी सारे के सारे सोल्यूशन होंगे। तो हमने कहा था अनेकों हल होंगे और उसकी शर्त क्या थी, ए वन बटे ए टू बराबर है बी वन बटे बी टू बराबर है सी वन बटे सी टू, ऐसा बताया था। फिर हमने लास्ट में एक साइड में छोटी सी चीज लिखी थी, मैंने कहा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का अगर कोई हल निकले, चाहे वो अद्वितीय हो और चाहे वो अनेको हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। और अगर उसका कोई भी हल नहीं आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन देखे क्या कहते हैं, अनुपातों ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये वाले जो युग्म रैखिक समीकरणों के युग्म है वो संगत है या असंगत है। आप इसमें हल निकाल के देख लो, हल निकल गया तो संगत है, हल नहीं निकला तो असंगत है। चलो इसको देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले पार्ट में जब आप निकाल लोगे ए वन बटे ए टू है ना, एक्स के सामने जो लिखा है क्या लिखा है, तीन बटे दो। फिर क्या लिखेंगे, बी वन बटे बी टू वो क्या है, दो बटे माइनस तीन। फिर आप क्या लिखोगे, C1 बटे C2 वो कितना है, 5 बटे 7। तो हम लोग यहां से एक चीज देख सकते हैं, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। इसका मतलब जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इन प्रतिच्छेदी रेखाओं से हम लोगों को अद्वितीय हल मिलता है, और अगर अद्वितीय हल मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। जो रैखिक समीकरण ना उसका जो युग्म है वो कैसा है, संगत है। कहने का मतलब हल मिलना चाहिए चाहे वो कैसा मर्जी हो, समझ गए। सेकेंड वाले को कंपेयर करके देखते हैं क्या लिखोगे, ए वन बटे ए टू कितना आ गया, दो बटे चार, काट के देखो एक बटे दो आ जाएगा। फिर लिखेंगे बी वन बटे बी टू क्या आएगा, माइनस तीन बटे माइनस छ, इसको काटेंगे तो भी एक बटे दो आएगा। फिर हमारे पास आएगा सी वन बटे सी टू कितना आएगा, आठ बटे नौ। तो हम लोग यहां से एक चीज देख सकते हैं, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। इसलिए जो ये वाली रेखाएं हैं, इन वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, इन वाली रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तो ऑब्वियस सी बात है उससे कोई हल नहीं निकलेगा, तो आप लिखोगे कोई हल नहीं होगा। और अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब जो रैखिक समीकरणों का युग्म है वो कैसा है, असंगत है। बस इतना ही तो लिखना है, क्योंकि ये तो दो रेखाएं ऐसे हैं, ऐसे जा रही हैं, मिलती नहीं है, मिलेंगी नहीं तो हल नहीं है, हल नहीं है तो असंगत है। इसको देखिए, इसमें क्या लिखेंगे बोलो, ए वन बटे ए टू पांच बटे माइनस दस, बी वन बटे बी टू माइनस तीन बटे छ, सी वन बटे सी टू ग्यारह बटे माइनस बाईस, ऐसा ही है। इसको काटो, पांच दुनी दस, इसको काटेंगे तीन दुनी छ, इसको काटेंगे ग्यारह दुनी बाईस। तो आप देख सकते हो ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और C1 बटे C2 बराबर है तीनों के तीनों एक बटे माइनस दो के बराबर है, या माइनस एक बटे दो के बराबर है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसा मत सोचना इसमें माइनस एक ऊपर है, इसमें माइनस दो नीचे है,
चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो और चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैंने आपको बताया था ये किसकी शर्त है, ये शर्त किसकी है, संपाति रेखाओं की। इससे तो हम लोगों को अनेकों हल मिलते हैं, और अगर अनेकों हल मिलते हैं तो इसका मतलब जो रैखिक समीकरणों का युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, यही तो उसने पूछा, हल निकल गया तो संगत है और अगर हल नहीं निकला तो असंगत है। समझ में आ गया, चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, फोर्थ तो हमने कर लिया, थर्ड और फिफ्थ पार्ट, तो इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, थर्ड पार्ट में एक बटे में दे रखे, एक सिंपल दे रखी है। अब बटे वाले को सिंपल बनाना चाहते हो तो पहले सरल बना लो, सिंपल बना लो, नहीं तो ऐसे भाग कर दो अगर कर सकते हो। वैसे फायदा रहता है कि आप इसको सिंपल बनाइए, क्योंकि आगे वाले एक्सरसाइज में भी हमें सिंपल बनाना पड़ेगा। दो और तीन को झूठे दिलाओ, लघु उत्तर लो, दो एकम दो, तीन एकम तीन, झूठे मिल गए, टोटल मिला के 6 रुपए की टिकट। ए ऐसे करके 6 को 2 से भाग किया 3, 3 की गुना 3 से करेंगे 9x, 6 को 3 से भाग किया 2, 2 की गुना 5 से करेंगे 10y बराबर 7। इसकी आर पार गुना कर दो ना, आर पार, आर पार की लड़ाई लड़ देंगे, आर पार गुना करने पर बोलो क्या होगा, जब इसको लिखेंगे तो 9x जमा 10y की गुना 1 से करेंगे बिल्कुल सेम, 6 की गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा 42। अब तो वही कर सकते हैं, a1 बटे a2 वाला निकाल लो, a1 बटे a2 9 बटे 9 सुद्धा सुद्धा कट गया 1, b1 बटे b2 10 बटे माइनस 10 इसको काटेंगे माइनस 1, c1 बटे c2 42 बटे 14 इसको काटेंगे 3 आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल है, और अगर अद्वितीय हल है तो रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। जो रैखिक समीकरण है उनके जो युग्म है वो कैसा है, संगत, संगत होगा ना, क्योंकि अद्वितीय हल आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसको करना, इसको झूठे दिला दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक को झूठे दिला दो। तो हमने 3 ले लिया लघुत्तम, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4x, 3 की गुना 2 से करेंगे 6y बराबर 8, r पर गुना करो, 4x जमा का 6y किसके बराबर आएगा, 24 के बराबर आएगा। अब इसका ना अनुपात निकालो, क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 4 बटे 2 काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, b1 बटे b2 6 बटे 3 काटेंगे तो 2 आएगा, c1 बटे c2 24 बटे 12 काटेंगे फिर से 2 आएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 इसको लिखेंगे तो आपको मालूम है संपाति रेखाएं हैं, अनेकों हल होंगे, और अगर अनेकों हल हो गए तो रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर हल निकल जाए, चाहे वो अद्वितीय हो और चाहे वो अनेकों हो, तो इसका मतलब क्या है, संगत है, और अगर हल नहीं निकलता तो असंगत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के कौन से युग्म संगत या असंगत है, और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था संगत असंगत कैसे चेक करते हैं, वैसे भी ग्राफ बनाने से पहले ये वाली चीज तो आपको करके देखनी ही चाहिए। a1 बटे a2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2, b1 बटे b2 ये भी 1 बटे 2, c1 बटे c2 5 बटे 10 इसको काट लूंगा तो 1 बटे 2। तो आप यहां से लिखोगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है संपाती रेखाएं हैं, है ना, संपाती रेखाएं हैं तो भैया जी अनेकों हल होंगे, और अगर अनेकों हल हैं तो संगत भी होगा, है ना। अब उससे क्या कहा था, अगर संगत आ गया तो इसको ग्राफ की विधि से हल करके दिखाना है, जो कि बिल्कुल ही सरल है। देखो क्या कहता है, हमने यहां लिखा अगर मुझे इसको ग्राफीय विधि से हल करना है तो आपको मालूम है एक्स और वाई के कोई भी तीन मान चाहिए, ऐसे यहां लिखा 2x जमा का 2y बराबर 10, तो y का मान किसके बराबर आएगा, 5 माइनस x के, x का मान लगाओ, x की जहां 0 तो y का मान 5 माइनस 0 5 आ गया, x का मान 1 तो y का मान 5 माइनस 1 4, x का मान 2 तो y का मान 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। तो अब आप इसका रोशनदान बनाइए, रोशनदान टुक्का टुक्का टुक्का, एक्स वाई 0 पे 5, 1 पे 4, 2 पे 3, अब इसमें लगानी है। अगर मैं इसमें लगा के देखूंगा तो 2 को तो बाहर निकालेंगे तो x जमा वाई आएगा, तो जब हम यहां से x जमा वाई का मान निकालेंगे 10 बटे 2 तो कितना आएगा 5। अब देख सकते हो ये दोनों सेम है, जो मान मैं इसमें लगाऊंगा सेम टू सेम यही होगा, तो अलग से टेबल बनाने की क्या जरूरत है, इसकी तो टेबल यही बनेगी सेम टू सेम। तो चलिए उसके बाद हम लोग ग्राफ कॉपी का इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पेपर नहीं है तो आप सिंपल कॉपी पे भी बना सकते हैं फिलहाल के समय के लिए, लेकिन फेयर कॉपी में तो ग्राफ में ही बनाना है, ठीक है। चलिए ये आपको मालूम है जो नीचे वाली रेखा है ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश और ये है जीरो। तो भाई शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 ठीक है। अब देखो x का मान 0 है तो y का 5 है, x का मान 0 है तो y का मान 5 है, तो 0 और 5 आ गए, x का मान 1 है तो y का मान कितना है, x का मान 1 है तो y का 4 है, x का 2 है, x का 2 है तो y का 3 है, तो 2,3 आ गया, ऐसा बनेगा। अब स्केल लेना है और स्केल लेके इनको आपस में मिला देना है, ठीक है, इनको आपस में मिला देना, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा। तो ये ग्राफ किसका बना, ये ग्राफ बना एक्स जमा वाई बराबर 5 का, ठीक है। इसका ग्राफ भी सेम टू सेम यही आएगा क्योंकि संपाती रेखा है, तो आप इसके ऊपर लिख देना 2x जमा 2y किसके बराबर आएगा, 10 के। तो बस यही x जमा वाई 5 का ग्राफ है और 2x जमा 2y बराबर 10 का ग्राफ है, क्योंकि दोनों रेखाएं संपाती हैं, एक के ऊपर एक ऐसे चिंबड़ के बैठे हुए, समझ में आ गया ना, तो इसलिए हमने कहा था इसके अनेकों हल है, समझ में आ गया। चले सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कहता है, चलिए जी इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के सेकेंड और फोर्थ पार्ट के ऊपर। आपसे कहता है x माइनस वाई 8 के बराबर है, 3x माइनस 3y बराबर 16 के बराबर है। पहले बताना है संगत है कि असंगत है, संगत है तो ग्राफ बना दो, नहीं है तो ऐसे छोड़ दो। चलो शुरू करते हैं, a1 बटे a2 तो 1/3, b1 बटे b2 -1/-3, c1 बटे c2 8/16, काटेंगे तो 1/2, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। इसका मतलब आप लिखोगे कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरणों का जो युग्म है वो कैसा है, असंगत है। तो आगे तो करना ही, उस पर चलो, a1/a2 2/4 इसको काटेंगे 1/2, b1/b2 -2/-4 1/2, फिर क्या लिखोगे c1/c2 क्या आएगा -2/-5, आगे तो कटता नहीं, माइनस से माइनस काट देंगे, तो आप क्या लिखोगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है
C1/C2। इसका मतलब जो ये वाली रेखाएं हैं, ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। अगर ये वाली रेखाएं समांतर रेखाएं हैं तो आप सीधी सी बात लिखोगे कोई हल नहीं है, और अगर कोई हल नहीं है तो रैखिक समीकरणों का युग्म, रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत होगा। ठीक है, जो भी रैखिक समीकरण है उनका जो युग्म होगा वो कैसा होगा? असंगत होगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है, ग्राफ तो हम तब बनाएंगे ना जब संगत होगा, ये तो संगति नहीं है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। चले आगे, एक पार्ट रह गया, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो क्या कहता है थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्या लिखोगे? a1/a2 कितना आएगा? 2/4। b1/b2 1/-2। c1/c2 -6/-4। इसको काटूंगा तो 3/2, तो आप यहां से देख सकते हो, इसको काटेंगे तो 1/2, तो आप यहां से लिखना a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ऐसा है तो ये रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी, जिनका मुझे इंतजार था, प्रतिच्छेदी रेखाएं आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, और अगर अद्वितीय हल है तो रैखिक समीकरणों का युग्म कैसा होगा? संगत होगा। संगत है तो भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा, बनाओ। कौन सा डरते हैं? 2x + y - 6 = 0। वाई को मैं रखता हूं इधर, 2x को ले जाएंगे उधर, 6 माइनस का था उधर जाके प्लस का, 2x प्लस का था उधर जाके माइनस का। अच्छा, x की जहां 0, तो 6 - 2 × 0, 6 - 0 तो 6 आ गए। x की जहां पे 1, तो 6 - 2 × 1, 6 - 2, 4 आ गया। x की जहां पे 2, तो 6 - 2 × 2, 6 - 4, तो 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ना। कैसे बनाएंगे? x, y, 0, 1, 2 है ना। y का मान कितना? 6, 4, 2, ऐसा बन जाए। अब आ रही है दूसरे वाले की, दूसरे वाले समीकरण को उठाइए, क्या लिखोगे? 4x - 2y - 4 = 0, ऐसा बनेगा। 4x - 2y, 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो, 2x - y = 4। इस 4 से 2 को 4 से काटोगे, 4 को 2 से काटोगे तो 2x - y = 2। इसको इधर ले आओ तो 2x - 2 = y, और आप यहां से ये कह सकते हो कि y जो होगा ना, y वो 2x - 2 के बराबर आएगा। अब आप इसे मान लगाओ, यही वाले लगा लो, x की जहां 0, x की जहां 1, x की जहां 2। जब 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? जब 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 × 0 - 2, 0 - 2, तो -2 आ गया। x की जहां जब 1 लगाएंगे तो 2 × 1 - 2, 2 - 2, तो 0 आ गया। x के यहां जब हम 2 लगाएंगे तो 2 × 2 - 2, तो इसको लिखेंगे 4 - 2, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया जी इसका भी छोटा सा यहां रोशनदान बना देते हैं, खुश रहेगा बेचारा। ए लो, ये x है, ये y है। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 0, और अगर x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू फिर से कितना आएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, इतना आसान है। अब तो भैया फोटो बनाएंगे, फोटो ऐसे करके ग्राफ पेपर पकड़ लेंगे और लाइने लगा देंगे, डॉक्टर के घर पहुंच जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, x यहां लिख लेना, x - -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। ठीक है, सबसे पहले इसका नबेड़ा करते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है, लगाओ
एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू छह तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, एक्स का वैल्यू एक है तो वाई का वैल्यू चार, एक के ऊपर चार वैल्यू देता है। एक्स का वैल्यू दो है तो वाई का वैल्यू भी दो है तो ऐसा बनेगा। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ स्केल लेना है और स्केल लेके इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ऐसा बनेगा। ठीक है ए ऐसे करके, तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2x जमा वाई बराबर छ, 2x जमा वाई बराबर छ, ऐसा बन जाएगा आसान। आगे x का वैल्यू जीरो है तो y का वैल्यू माइनस टू, भैया जी x जीरो ये रहा और y का वैल्यू माइनस टू ये रहा तो जीरो और माइनस टू तो यहां आ जाएगा। x का वैल्यू एक है तो y का वैल्यू जीरो, अच्छा जी यहां बैठा। x का वैल्यू दो है तो y का वैल्यू दो, इसके ऊपर देखो x दो ये रहा और y दो ये रहा। अब स्केल लेना है और स्केल लेके इन तीनों पॉइंट्स को आपस में गट 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 करके सीधा मिला देना ना, सीधी नहीं मजा नहीं आया, ए फैक्ट सॉर्ट बन गया ऐसे ना। इसका नाम लिखो क्या आएगा, इसका नाम है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, जबकि हमने शुरू में देखा था एक बिंदु पे काटना था, एक बिंदु पे काट दिया, अद्वितीय हल मिलना था, अद्वितीय हल मिल गया। अब बताओ x और y का मान क्या है, दिख रहा होगा साफ, यहां से लंब खींचेंगे, यहां से लंब खींचेंगे, x को जाके 2 पे टकराया, y को जाके 2 पे टकराया, बस यही तो उत्तर है। तो आप लिखो उत्तर, x का मान 2 y का मान 2, आप इन दोनों को ना इसमें लगा के देख लो संतुष्ट करेगा, 2 गुना 2 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में से 6 गया ढक्कन 0 खाली, 4 गुना 2 8, 2 गुना 2 4 माइनस का 4, 8 में से 8 गया 0, तो ये जो हल निकलेगा इसको संतुष्ट भी करेगा, वो हमने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, समझ में आ गया। तो इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था वो खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 से ना पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ता है। ठीक है एक रैखिक, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है ऐसी कोई बात नहीं है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है, दो चरों में एक और ऐसी रैखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाएं, समांतर रेखाएं दिखाएं या संपाती रेखाएं दिखाएं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब 2x + 3y - 8 = 0 ये लिखा है, इसके नीचे एक रैखिक समीकरण और लिखनी है, लिखनी ऐसे है ताकि प्रतिच्छेदी रेखाएं बने। प्रतिच्छेदी रेखाएं कब बनती हैं, जब a1 / a2 b1 / b2 के बराबर नहीं आता है। ठीक है तो अपनी मर्जी से लिखो, जो आप लिखना चाहते हैं लिख दो, जैसे मैंने यहां लिख दिया 5। अब यहां पे आपको ऐसा नंबर लिखना है जिसको काटने पाटने से 2/5 ना होता हो, मान लो मैंने 10 लिख दिया, यहां पे 12 लिख दिया, कुछ ही लिख लिया। अब आप देखो a1 / a2 2/5 b1 / b2 3/10 c1 / c2 - 8/12 2/3, तो हम यहां से लिख देंगे a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2, इसलिए आपको मालूम है ये वाली रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर यहां तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, फिर आप यही क्यों लिख रहे हो, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आंसर बहुत सारे आ सकते हैं इसके, इसको देखते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, अब समांतर में क्या होता है, a1 / a2 b1 / b2 के बराबर होता है, तो मैंने इसका 3 गुना करके लिखा 6x - 9y, इसका 2 गुना करके लिख दो ताकि पहले वाले 2 बराबर आ जाए, लास्ट वाले नहीं है, तो a1 / a2 2/6 1/3, b1 / b2 3/9 ये भी 1/3, c1 / c2 - 8/16 तो माइनस का 1/2, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना a1 / a2 b1 / b2 c1 / c2, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं, बिल्कुल आसान कोई दिक्कत ही नहीं। इसको देते हैं 2x + 3y - 8 = 0, अब
ऐसे नंबर लिखने हैं ताकि तीनों बराबर आ जाए। आप ना चार से गुना करके लिख दो, दो को चार से गुना करेंगे आठ, तीन को चार से गुना करेंगे बारह, और आठ को चार से गुना करेंगे बत्तीस। अब आप इससे निकाल के देखो, जब आप यहां से लिखोगे ए वन बटे ए टू किसके बराबर है, दो बटे आठ, तो एक बटे चार। बी वन बटे बी टू किसके बराबर है, तीन बटे बारह, तो एक बटे चार। सी वन बटे सी टू किसके बराबर है, माइनस का आठ बटे माइनस का बत्तीस, इसको भी काटूंगा तो एक बटे चार। तो आप लिख देना ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है संपाती रेखाएं, ठीक है। तो बहुत सारे आंसर हम लिख सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। मैंने यहां पे दुगुना करके लिखा था, अब तिगुना करके लिख दो, चौगुना करके लिख दो, पांच गुना करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही यहां पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी मुझे थोड़ा काम है, बस आपको इतना ही करना आज के लिए, बाकी दो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।